नमस्कार मेरे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल भाइयों। मैं संदीप सिंह बैनीपाल आपके साथ यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि हमने आपको ये ट्रैक्टर पहले भी दिखाया था, 5105 जॉन डियर मेड़े पर चलता हुआ। भाइयों पता है आपको कि ये 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो आज ये चला रहा है सोनालिका वालों का पोटैटो प्लांटर मशीन, भाइयों जो आलू की बुआई करती है। तो आलू की बुआई कर रहे हैं हमारे किसान भाई। तो आज हम देखेंगे इसे चलती हुई आलू की बुवाई कैसे करती है, और ये भी बताएंगे साथ के साथ आपको इसमें कितना आलू डलता है और कैसे इसमें बोया जाता है। तो भाइयों बने रहिए चैनल पर हमारे साथ आओ। तो भाइयों देखो आप, हमारे भाई चल दिए हैं इस मशीन में आलू डालने के लिए। ये देखो भाइयों, यहाँ इसमें आलू डलते हैं और तकरीबन इसमें 5 क्विंटल आलू आ जाते हैं एक साथ। ये देखो आप, ये इसका जो ऊपर का बॉक्स है, कितने कट्टे डालोगे इसमें? अच्छा हाँ, 10 कट्टे आ जाते हैं इसमें, वो मान लो 5 क्विंटल। तो भाइयों देखो आप, चल चुकी है मशीन हमारी। ये पीछे के पीछे भाइयों खूड भी तैयार कर रही है। और एक चीज और बता दूं भाइयों, जो आलू बोने की मशीन है ये सोनालिका वालों की, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। भाइयों 4x4 ट्रैक्टर है ये, 40 हॉर्स पावर का जॉन डियर 5105। भाइयों कमेंट करके जरूर बता दिया करो वीडियो कैसी लगी आपको। तो यहां से उठाती है ये आलू। और इसका भाइयों जो भी सारा सिस्टम है वो टायरों के हिसाब से है। टायरों से वहां पे एक चैन चल रही है, जैसे चैन घूम रहे हैं उससे ये सॉरी टायर घूम रहे हैं, ऐसी चैन घूम रही है और साथ में साबट चल रही है ये। कमेंट करके भाइयों जरूर बता दियो मशीन कैसी लगी आपको। तो इसका तो सारा ही सिस्टम ऑटोमेटिक है, टोटल जितना भी है। कहाँ से लाए हो नहीं आप?
अच्छा ये नहीं जानकारी है। भाइयों देखो पीछे खुड़ कितने बढ़िया बनाती जा रही है। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करियो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भाइयों।